हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश ठाकुर आपका कुछ भी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम जो है बहुत ही अच्छे सुंदर व्यू में यहां से प्रवेश कर रहे हैं और हम जो हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो है मनोनी टेंपल। यहां एक ऊपर यहां से 4 किलोमीटर ऊपर है। हम इस वक्त जो है हम मुंडा घाट पे खड़े हैं। ये जो मुंडा घाट शिमला से लगभग जो है 20 किलोमीटर के करीब है और हमारे लगभग 1 घंटे की जो है वहाँ से ड्राइव है। और अब हम यहाँ से मुंडा घाट से जो है हम मनोनी टेंपल की तरफ शुरुआत करते हैं। तो आइए प्लीज़ मैं आपको मनोनी टेंपल ले चलता हूँ। जंगल का रास्ता है और बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से, फॉरेस्ट के बीच से होता हुआ। हम धीरे धीरे जो है मनोनी टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा कूल सा मौसम हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा धूप है और धीमी धीमी सी हवा चली है। आइए मैं इस जगह से आपको शिमला का थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ। वो सामने पेड़ों के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है वो शिमला सिटी है। ये यहाँ से बहुत अच्छा व्यू बनता है हमारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी जो है धूप भी आ गई है, आज मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम अपने व्यूवर्स को जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो आज नाग देवता की इच्छा से जो है वो पूरी हो गई है। ये देखिए इस खूबसूरत नेचर के बीच में जानवर भी खूब मस्ती करते हुए, और ये सभी लोग जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखते हैं पेड़ों से गिरे हुए पत्ते जो है, ये हमारा रास्ता है यहाँ से मनोनी टेंपल की तरफ। देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य। देखिए मैं एक बार इस फॉरेस्ट को एक बार और पैन करके दिखाता हूँ। कितना शुद्ध वातावरण है इन जंगलों में। और आपने देखा होगा कि इस कोरोना के टाइम में हमें जो है ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी महसूस हुई और बहुत सारे जो लोग हैं बेचारे वो ऑक्सीजन की वजह से, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वो लोग सरवाइव नहीं कर सके। हमें उनकी मृत्यु का जो है बहुत खेद है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ये भी संदेशा देना चाहते हैं कि पेड़ों को प्लीज़ ना काटें। पेड़ जो है हमारी ज़िंदगी है और इनसे हमें बहुत शुद्ध हवा मिलती है, तो इनको प्लीज़ बचाएं। पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में मनोनी टेंपल। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ से एक ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। आई होप कि आप सब लोग लाइक करेंगे। तो ये अब आप देखिए कि हम मनोनी टेंपल पहुंच चुके हैं। आपको ये छोटा सा फ्लैग दिख रहा होगा। देखिए यहाँ का व्यू, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये ऐसी जगहें जो आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलेगी। देखिए व्यू, देखिए यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है। अल्टीमेट आपको ऐसी जगहें कहीं और नहीं मिलेंगी
आप हिमाचल आइए और खासकर हमारा जो शिमला एरिया है, ये देखिए, ये मैं आपको पूरा पैन करके दिखाता हूँ। और यही वो सामने मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग ऐसा माना जाता है कि ये 200 साल पुराना जो है मंदिर है। ऐसे लोगों की विचारधाराएं हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मनुनी महाराज जो हैं, वो महाराज करण जो हुआ करते थे, उनके ये अवतार माने जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से इस प्राचीन मंदिर को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इसके जो आर्किटेक्चर है, इसी से पता लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, देखिए आप दरवाजे पे देख सकते हैं कुछ प्रतिमाएं बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये तब का बना हुआ है, आज तक भी इसको कुछ नहीं हुआ है। तो उस समय के जो आर्किटेक्चर हुआ करता था, उसका कुछ अपना ही मजा था और अपनी ही एक महारत थी। इस जगह को एक बार दोबारा से पैन करता हूँ अपने कैमरे से, और आप इस खूबसूरती को देखते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मंदिर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको एक बार फिर पैन करता हूँ, और आप जो है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत दृश्य को देखिए। ये बहुत प्यारी जगह है, और ये देखिए, ये सारे जानवर जो है, घोड़े भी और ये गाय भी है, जो इस तरफ इस पौंड की तरफ खड़े हो गए। ये नेचुरल पौंड है, यहाँ पे ये किसी ने बनाया नहीं है। हमारे यहाँ हिल स्टेशन में जो है, इसी तरह के नेचुरल पौंड होते हैं, और जब बारिश होती है तो ये पूरे भर जाते हैं, और फिर इसमें जो है पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। और ये पशुओं की जो है पानी पीने के लिए और इसमें नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये पूरा यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू जो है आपको नज़र आता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेश ठाकुर फ्रॉम कुछ भी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो जिस मंदिर के बारे में दिखाना चाहता था, जो बताना चाहता था, वो यही मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और नाग देवता का मंदिर है, और ऋषि मनुनी का भी, महाराज जी का भी मंदिर इसे माना जाता है, कहा जाता है यहाँ के लोकल भाषा में, और यहाँ के लोकल जो है महाराज मनुनी भी इसे कहते हैं, और ये मनुनी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंडा घाट में स्थित है, और मुंडा घाट जो है शिमला से लगभग 22 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। मुंडा घाट तक हमारी गाड़ी आती है, उससे ऊपर जो है ये 4 किलोमीटर का फॉरेस्ट के रास्ते जो है ट्रैक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ इस हिल टॉप पर पहुँचते हैं, और इस मंदिर को हम बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको मंदिर को देखा, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराना और बहुत ही उम्दा किस्म का आर्किटेक्चर है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, और वो भी आज से 200-250 साल पहले, और बहुत बहुत अच्छा इसका जो है निर्माण किया गया है। पुरानी शैली से इसे बनाया गया है, जिसमें जो है एक लेयर पत्थर की होती है और फिर एक लेयर लकड़ी की होती है। तो
तो ये मंदिर जो है तब से एज इट इज़ यहाँ पे है, इसे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। और ये ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं वो ये बताते हैं कि ये महाराज करण के अवतार हैं और नाग देवता है। तो मैं इसी मनोनी टेंपल को आपको दिखाना चाहता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी। आप जब भी कभी यहाँ पे शिमला में आएँ तो आप इस जगह ज़रूर आएँ और इस सुंदर मनमोहक दृश्य का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी जगहों को पवित्र ही रहने दें, यहाँ पे किसी तरीके के जैसे आप खाने पीने के रैपर्स बॉटल्स वगैरह ना गिराएं और इसकी जो सुंदरता है उसको बनाए रखें। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये काफ़ी और लोगों तक भी जा सके और जो यहाँ आना चाहें वो आ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।